नमस्कार दोस्तों, सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केबी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 7 सितंबर दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों कॉमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा, शनिदेव महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार। आज की तिथि है अमावस्या। आज का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:41 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:11 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:54 से दोपहर 12:27 तक। दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है सुबह 8:10 से सुबह 9:48 तक। दोस्तों आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर 1 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं किसी व्यक्ति में अचानक आ जाए इस तरह का बदलाव तो सावधान हो जाएं, आप पर पड़ सकता है भारी। जी हाँ दोस्तों, जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ कि वो आपसे कुछ चाहता है। अचानक चाणक का मतलब है कि अगर किसी के स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव अचानक दिखे तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के भी व्यवहार में अचानक हुआ बदलाव कई वजहों से हो सकता है। इसके पीछे की वजह कोई साजिश या फिर आपसे अपना मतलब निकालने की एक नई तकरीब हो सकती है। असल जिंदगी में इस तरह के अचानक स्वभाव में बदलाव वाले लोग आपको कई बार देखने को मिले होंगे। जब भी ऐसा होता है तो दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक होती है, ये थोड़ा सा बदला हुआ नहीं लग रहा। कई लोग इस बात को गंभीरता से तो लेते हैं तो कई लोग इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन आपको सामने वाले में आए इस बदलाव को गंभीरता से लेना चाहिए। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के व्यवहार में यह बदलाव आया हो उससे आपकी बातचीत लंबे वक्त से ना होती हो, ऐसे में व्यवहार में अचानक आए बदलाव को गंभीरता से ही लेना चाहिए। आपको चाहिए कि उस व्यक्ति की हर बात पर आप ध्यान दें, यहाँ तक कि उसकी बातों का क्या क्या मतलब निकल सकता है ये भी सोचें। ऐसा करके आप उसकी किसी भी चाल में फंसने से बच सकते हैं, इसलिए सतर्क रहने में ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपका तलक रवैया दोस्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इस राशि के कुछ लोगों को आज संतान पद से आर्थिक लाभ होने की पूरी उम्मीद है। आज आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। शाम के समय कुछ हंसी खुशी वाला वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी अथवा प्रिय से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। कामकाज के मोर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आपका खाली वक्त आज किसी गैर जरूरी काम में खराब हो सकता है। दोस्तों वैवाहिक जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास उम्मीद से ज्यादा रंग लाएंगे। परिवार को लेकर आप हमेशा भावुक रहते हैं और यही वजह है कि पिता या शिक्षक पर आया संकट आपको परेशान कर सकता है। पहले से बनाई गई यात्रा की योजना आपको निजी कारणों से रद्द करनी पड़ेगी। अपने साथी को नजरअंदाज ना करें क्योंकि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। अपने आकर्षण और करिश्मे से आप सबका दिल जीतने के लिए तैयार हैं। आपका प्रेमी भी आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। इस दौर का दिल खोलकर स्वागत करें। याद रखें सबके प्यार का रास्ते में कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, किंतु अंत में सभी को मंजिल मिल ही जाती है। साथ ही साथ आपको बताएं या आपके लिए अपने आप से किए हुए वादों और अपनी योजनाओं को अमल में लाने का बहुत अच्छा समय है।
नई योजनाएं भी जल्द ही कामयाब होंगी। हालांकि दोस्तों के साथ मजे करने और थोड़े मनोरंजन के लिए भी अच्छा समय है, इसलिए शाम को सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होने की योजना बना सकते हैं। वित्त या बैंकिंग पैसे से जुड़े लोग आप स्वयं को बेहद व्यस्त महसूस करेंगे, लेकिन आने वाला समय उनके लिए अच्छा समय होने वाला है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की योजना रद्द हो सकती है, सपने सच हो सकते हैं, यह बात आप खुद महसूस कर रहे हैं। आज परिस्थिति और भाग्य आपके पक्ष में है, जैकपॉट जीतने की भी संभावना बन रही है। दोस्तों, प्यार और धन दोनों आपके जीवन में खास भूमिका निभाकर उसे रोमांचक बना रहे हैं। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन अपने प्रयासों से आप उन पर विजय पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपको पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पॉजिटिव और अंतरंग अनुभव करेंगे। आप आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख खुद ब खुद तय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास ना आने दें। आप आगे बढ़ें और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार ना लें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचें। अचानक से घट रही घटनाओं का असर मानसिक स्वरूप से आपको अधिक महसूस होगा। खुद को मानसिक स्वरूप से सबल बनाने के लिए लोगों से रखी हुई अपेक्षाओं को कम करने की आवश्यकता है, लेकिन संबंध और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए परिस्थितियां आपको मजबूर करेंगी। यह परिस्थिति आपको मजबूत बनाने के लिए कठिन हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद के अंदर उचित बदलाव लाने की कोशिश करें। आज कार्य क्षेत्र में गतिविधियां समान रहेंगी। परेशान होने की बजाय धैर्य रखें, किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर आज आपको मिल सकता है। सरकारी सेवा वाले लोगों पर खास अथॉरिटी आने की वजह से आज भी कार्यस्थान पर उपस्थित होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु लापरवाही भी ना बरतें। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। दोस्तों, आज मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों, अगर आप घर पर रहकर सच्चे मन से बजरंगबली महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो बजरंगबली महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। रोज की कुंभ राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।